बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पिछले दो साल काफ़ी चैलेंजिंग रहे, सभी के लिए चैलेंजिंग रहे, मगर खुशी इस बात की हो रही है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस यहाँ पे जो टर्नआउट हमें दिखाई दिया, 13-14 हज़ार पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें 2000 इंडियन नेवी से भी है। बहुत गर्व की बात है कि वो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर रेशियो देखा जाए तो 75% मेन थे और 25% वेमेन, तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो कल्चर है हमारे कंट्री में अभी, कि आई ऑलवेज बिलीव किया ना, हमें वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि फ्रॉम अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन टू स्पोर्ट पार्टिसिपेटिंग नेशन, कि है ना, खुद का एक पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड से कि स्पोर्ट प्लेइंग नेशन इज रियली इम्पोर्टेंट, और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। मैं एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, कार्तिक यहाँ पे उन्होंने काफ़ी मेहनत ली है और उसका नतीजा ये है, जो एथलीट से जो हमें फीडबैक मिला है, वी आर द फर्स्ट वंस टू डू इट, सो जो एथलीट से जो फीडबैक मिला है बहुत पॉजिटिव रहा है, तो इससे और बड़ी चीज़ हो नहीं सकती। सर, जिस तरह से दो साल ये मेरी काफ़ी एथलीट से बात हुई है ये पिछले दो सालों में, और ऐसे ही इंटरेक्शंस में ये जाहिर होता है कि चैलेंजेस रहे हैं, मगर किसी ने हार नहीं मानी है, ये अच्छी बात है, क्योंकि सॉल्यूशंस अगर निकालना चाहो तो वो सॉल्यूशंस निकलते हैं, अगर प्रॉब्लम्स ढूंढना चाहो तो प्रॉब्लम्स भी निकलेंगे। हमारे लोगों ने सॉल्यूशंस निकालना सीखा है तो वो अच्छी बात है, और मैं यही एनकरेज करूँगा सभी को कि ऐसे ही सोचे कि सिर्फ जिम में जाके फिटनेस नहीं मेंटेन होता, जनरली अगर आप अपना डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखोगे, यहाँ वहाँ फ्री हैंड एक्सरसाइजेज जो हम बोलते हैं वो कर सकते हैं, घर बैठे बैठे काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज हो सकते हैं, तो उनसे भी मुझे ये सीखने मिला है, क्योंकि हम सीखते हैं एक दूसरे के साथ बात करके, उसी तरह से नॉलेज बढ़ता है और ये नॉलेज हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, इंडियन टीम जैसे परफॉर्म करें? नहीं, ये यहाँ पे थैंक यू, बेस्ट विशेस तो हमेशा ही है, ये सिर्फ ये टूर्नामेंट के लिए क्यों, जितने सालों से मैं खेलता आ रहा हूँ, मैं सभी से मांगता आ रहा हूँ, अभी हम देते रहेंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।